भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कुल 12,167 पैसेंजर ट्रेनें हैं। इसके अलावा भारत में 7,349 मालगाड़ी ट्रेन हैं। भारतीय रेल में रोजाना ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर यानी लगभग 2,30,00,000 से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किराया होता है। कई ट्रेन तो ऐसी हैं जिनमें सफ़र करने के लिए काफ़ी किराया देना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ट्रेन ऐसी भी है जिसमें आप फ्री में सफ़र कर सकते हैं? आइए बताते हैं इस खास ट्रेन के बारे में। आपको बता दें कि ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भाखड़ा नांगल बांध देखने जाते हैं तो आप फ्री में इस ट्रेन यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। दरअसल ये ट्रेन नांगल से भाखड़ा बांध तक चलती है। इस ट्रेन से 25 गांव के लोग पिछले करीब 73 साल से फ्री में सफ़र कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहां एक तरफ देश की सभी ट्रेनों के लिए टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस ट्रेन में फ्री में सफ़र क्यों करते हैं और रेलवे इनकी इजाज़त कैसे देता है। दरअसल इन ट्रेन को बागड़ा डैम के जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है ताकि देश की भावी पीढ़ी ये जान सके कि देश का सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल डैम कैसे बना था। उन्हें मालूम हो कि इस डैम को बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन का संचालन करता है। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को काट कर दुर्गम रास्ता बनाया गया था। ये ट्रेन पिछले 73 साल से चल रही है। पहली बार इसे साल 1949 में चलाया गया था। इस ट्रेन के जरिए 25 गांव के 300 लोग रोजाना सफ़र करते हैं। इस ट्रेन का सबसे बड़ा ज़्यादा फायदा छात्रों को होता है। ट्रेन नांगल से डैम तक चलती है और दिन में दो बार सफ़र तय करती है। ट्रेन की खास बात यह है कि इसके सभी कोच लकड़ी के बने हैं। इसमें ना तो कोई हॉकर और ना ही आपको इसमें कोई टीटी मिलेगा। ये ट्रेन डीजल से चलती है। एक दिन में 50 लीटर डीजल की खपत होती है तो वहीं जब एक बार इस ट्रेन का इंजन स्टार्ट होता है तो भाखड़ा से वापस आने के बाद ही बंद होता है। इस ट्रेन के माध्यम से भाखड़ा के आसपास के गांवों बरमला, ओलिंडा, निहाला भाखड़ा, हंडोला, स्वामीपुर, खेड़ाबाग, कालाकुंड, नंगल, सलांगड़ी सहित अन्य क्षेत्रों के लोग सफ़र करते हैं। ये ट्रेन सुबह 7:05 पर नांगला से चलती है और लगभग 8:20 पर ये ट्रेन भाखड़ा नांगल से वापस नांगल की ओर आती है। तो वहीं दोपहर में एक बार फिर 3:05 पर यह ट्रेन नांगल से चलती है और शाम 4:20 पर भाखड़ा डैम से वापस नांगल को आती है। नांगल से भाखड़ा डैम पहुंचने में ट्रेन को लगभग 40 मिनट लगते हैं। जब ट्रेन को शुरू किया गया तब इसमें 10 बोगियाँ चलती थी लेकिन अब इसमें केवल 3 ही बोगियाँ हैं। इस ट्रेन में एक डिब्बा पर्यटकों के लिए है और एक डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।